तो बच्चों एकदम वायरल पेपर है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी का वायरल पेपर है, वो भी हैंडराइटिंग्स में। हमने अपने हैंडराइटिंग्स में लिखा और बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर भी लिखा है, इसलिए हैंडराइटिंग नोट्स में आपको वायरल क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ। पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, तैयार करके जाइए। तो पहला प्रश्न हम लोगों का क्या है, अब हम लोग ध्यान से पूरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो बच्चों हमने आपको पहले भी पढ़ाया है, आज फिर से बता दे रहे हैं कि जो पौधों का जनन अंग होता है दो भाग में बंटता है, नर जनन अंग, मादा जनन अंग। नर जनन अंग को पुंग केसर, मादा जनन अंग को स्त्री केसर कहते हैं। पुंग केसर मतलब पुमंग, स्त्री केसर मतलब जायांग। तो नर जनन अंग की बात करेगा तो पुमंग पर हम लोगों का जवाब क्लिक हो जाएगा। अच्छा गुरुजी, बेहतर समझ में आया। अच्छा, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो बच्चों मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण जो है किनके किस किस किससे होता है, माँ के लिंग गुणसूत्र से होता है, पिता के मतलब अंडाणु के माप से होता है, कि पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है, कि शुक्राणु के माप से होता है। तो बच्चों आपने लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जब समझा होगा मनुष्य में, तो आप सभी को मालूम है कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया लिंग गुणसूत्र से ही होगी किसी में भी। ठीक, तो ये बात तो समझ में आई। अच्छा गुरु जी, अभी बताइए कि किसके लिंग गुणसूत्र से, माँ के कि पिता के। तो बच्चों ध्यान दो, माँ का गुणसूत्र और पिता का गुणसूत्र जो है 22 जोड़ी समान होता है। माँ का गुणसूत्र जो 23वां होगा XX होता है, पिता का गुणसूत्र जो 23वां होगा वो आपका XY होता है। तो अब यहाँ पर जो है किसका अलग है, पिताजी का अलग है। तो पिताजी का अलग है तो यानी यहाँ पर स्त्री होगा कि पुरुष होगा कौन डिसाइड करेगा, पिताजी डिसाइड करेंगे। यानी संतान का मतलब नर या मादा होना कौन डिसाइड करता है, मतलब पिता का गुणसूत्र डिसाइड करता है, माँ का गुणसूत्र कभी भी डिसाइड नहीं करता, ये बात ध्यान दीजिएगा। अच्छा बच्चों, अगला जो है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, पढ़ाती होगा, चिकित्सा में तो होता ही है, कृषि में भी होता है, तो जवाब क्या हो जाएगा, इन दोनों में सही हो जाएगा। अच्छा गुरुजी, बात बहुत अच्छी समझ में आई। अगला है बच्चों हमारा कि निम्नलिखित में से किसे भारत में मतलब निम्नलिखित में किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है, अरावली पर्वत, इंडो गंगेटिक मैदान, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो कौन सा यहाँ पर सही जवाब होगा, तो इसमें आप सभी का बच्चों सही जवाब आपका जाएगा पश्चिमी घाट। गुरुजी ये भी बात समझ में आ गई। ठीक, अच्छा अब कुछ जो है अति लघु उत्तरी प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है, इन प्रश्नों को भी हम देखना चाहेंगे। तो पहला प्रश्न है कि दूध से दही जो है कौन से बैक्टीरिया के द्वारा बनता है, तो नाम याद कर लो बच्चों, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस से जो है दूध से दही बन जाता है, ये बैक्टीरिया है। ठीक, अगला है आरएनए एवं डीएनए की शर्करा में क्या अंतर है, तो आरएनए की शर्करा में राइबोज होता है, डीएनए की शर्करा में डीऑक्सीराइबोज होता है। अच्छा गुरुजी ये भी क्लियर हो गया। अगला हमारा, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो किनको जाना जाता है, रामदेव मिश्रा को जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 या जोड़ी में 23 जोड़ी। अच्छा गुरुजी बात समझ में आ गई। जैव विविधता तप्त स्थल क्या होता है, तो जैव विविधता तप्त स्थल क्या होता है, ध्यान दीजिए, उत्तर लिखा ऐसा क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में होती है जैव विविधता तप्त स्थल कहलाता है। फिर से सुनो, ऐसा क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में होती है जैव विविधता तप्त स्थल कहलाता है। ठीक गुरु जी बात समझ में आई। अब बच्चों कुछ प्रश्नों के उत्तर हमने नहीं लिखे हैं, तो इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या प्रश्न है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए, किसी एक यौन संचारित योग का नाम लिखिए और उसके जो है रोकथाम के उपाय का वर्णन कीजिए। अगला, टर्नर एवं क्लाइन फिल्टर जो है सिंड्रोमा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये तैयार कर लीजिए। ठीक, अभी और क्वेश्चन बच्चों, पौधों में दोहरा निषेचन क्या होता है, इसकी खोज किसने किया, मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। अगला है, जैव उर्वरक जो है कैसे मृदा को उर्वरकता को बढ़ाता है, ये आप यहाँ पर तैयार कर लीजिए। बाकी और प्रश्न यहाँ पर आपके सब हैं, ये सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।